मंच पर विराजमान सभी अपने आदरणीय विशिष्ट अतिथियों को प्रणाम करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत वंदन अभिनंदन। जैसा शिवेंद्र ने बताया कि मेरे पिताजी अभी आज से 6 दिन पहले ही हमें छोड़ गए, इसलिए एक खास किस्म की जो एक शिथिलता होती है, एक उदासी होती है, वो अभी तक मैं उससे झगड़ा हुआ हूँ, मुक्त नहीं हो पाया हूँ। लेकिन बहुत ही विशेष ये मौका था जो पहले से तय था, और शिविर ने भी कहा और बाकी मित्रों ने भी कहा कि पिताजी कभी साथ छोड़ के नहीं जाते, पिताजी जहाँ भी होंगे वहाँ से उनका आशीर्वाद आप पर बरसता रहेगा और उनको खुशी होगी, इसलिए आपको ये कार्यक्रम तय समय के हिसाब से ही करना चाहिए। तो आपके सामने हम उपस्थित हैं। किताब के बारे में मैं 2-4 बातें बताऊं। जैसा शिविर ने बताया, हम लोग 25-30 साल पुराने दोस्त हैं, बचपन में जब पढ़ते थे, जब सोचा भी नहीं था कि लाइफ में क्या करेंगे, तब से हमारी दोस्ती रही है, हमारे शौक बहुत सारे कॉमन और तमाम बदमाशियाँ तमाम चीज़ें। तो ये रहा है कि हम इत्तेफाक से दोनों टीवी पत्रकारिता से जुड़े रहे और अभी भी जुड़े हैं एक तरह से, लेकिन संगीत से हमारा जुड़ाव ऐसा रहा कि मैं एक विद्यार्थी के तौर पे जुड़ा संगीत से और शिवेंद्र एक जिसको कहते हैं ना संगीत प्रेमी, बहुत दिल से संगीत को सराहने वाले और इंथुजियास्ट और कुछ करने वाले मन में कि कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ सार्थक करते हैं, अच्छा करते हैं। तो रागगिरी की जो नींव पड़ी वो भी शिवेंद्र के उत्साह और जोश की वजह से ही पड़ी, और हम बहुत सारी बातें करते थे उसमें, कभी रागों की बात होती थी, कभी ये होता था कि ये इसके पीछे कोई कहानी है, और फिर मैं बातों में सुनाने लगता था कि राग यमन में मन रे तू कहे ना धीर धरे भी है और चंदन सा बदन भी है, और तो कैसे गाना मैं जब बताता था कि जैसे होता ना कि हमारे पड़ोस के वर्मा जी हैं, अगर आप वर्मा जी को पहचानते हैं तो उनके बच्चों को देख के आप कहेंगे कह रहे ये तो आप उनके बच्चे हैं क्या, तो एक राग के जो बच्चे होते हैं अगर कंपोजिशन उसी तरह की है तो आप वो पहचानते हैं। इस तरह की बातें शिवेंद्र को लगता था कि ये बहुत दिलचस्प है और इनको एक तरह से हम समेट के एक किताब के रूप में शायद हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक राइटअप्स का आर्टिकल्स का सिलसिला शुरू हुआ, और प्रयास ये था कि जैसा रागगिरी का मकसद भी है कि बच्चों को, मतलब बच्चों से ज़्यादा हम ये कहें कि जो शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते उनको हम कैसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं, उनकी दिलचस्पी कैसे पैदा करें। ये जैसे होम्योपैथिक दवा होती है कि दवा है लेकिन मीठी गोली में है, तो आप वो गोली आराम से खा भी लें और आपके ऊपर उसका जो असर है जो वांछित वो हो जाए। तो इसलिए ये सोचा गया कि इस तरह का प्रयोग किया जाए कि किससे कहानियों से शुरू करें, और ये सारी चीज़ें जहाँ तक मेरी जानकारी है ये बिखरे तौर पे अलग अलग तौर पे चीज़ें मिलती हैं, किस्सों के भी का अलग किताबें या बहुत सारे वीडियोस और ऑडियो शोज आप देखते हैं। रागों का परिचय जो है उस पर तमाम किताबें लिखी गई हैं जो शुद्ध शास्त्रीय रागों के परिचय पर ही आधारित हैं, फिर शास्त्रीय संगीतज्ञों की जीवनियाँ और तमाम चीज़ें वो हमने देखी हैं। लेकिन चूँकि फिल्म संगीत का बहुत बड़ा एक मास बेस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, देश में सबसे शायद पॉपुलर वो है, हर एक इंसान फिल्म संगीत को सुनता है, पसंद करता है, सराहता है, तो और जाहिर सी बात है कि 7 स्वर या कहें 12 स्वर जो शुद्ध और विकृत मिला के 12 स्वरों में ही सारा संसार है संगीत का, पूरी दुनिया का, तो फिल्मी गाने भी उससे बाहर नहीं है। तो वो जो एक कनेक्शन है उस कनेक्शन को पकड़ के कैसे हम एक कहानी के जरिए फिल्मी गाने पे आए, फिल्मी गाने की कहानी बताएं, और उसके बाद उस गाने का परिवार, उस राग का परिवार कितना बड़ा है, उसमें कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कितनी सारी रचनाएं बनी हैं, उस पर बात करें, और उसके बाद जाते जाते हम ये भी बता दें कि राग के जो बेसिक जानकारियां होती हैं, मसलन कि आरोह अवरोह क्या है, राग की पकड़ क्या है, उसमें वादी संवादी क्या है, जो शास्त्रीय टर्म है, गाने का समय क्या है, मूड क्या है। तो एक तरह से कोशिश ये की गई कि इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के एक यूनिक किस्म की किताब हो जिसमें कि आप एक लाइटर वो नोट से एक दिलचस्प कहानी से शुरू करते हुए धीरे से आप वो बैठे हैं उसके राग के, उसमें गहराई में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि बहुत गहराई, रागों की गहराई आप
एक 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 राग पंडित जी लोगों ने 14-14 साल सीखा है, तो राग हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, राग के बारे में हम क्या बताएंगे। लेकिन ये है कि एक छोटा सा परिचय हम दे सकें और थोड़ी सी जानकारी बढ़ा सकें, और जो लोग कुछ भी नहीं जानते शायद उनके शेल्फ में उनकी किताबों के संग्रह में ये किताब पहुँचे और थोड़ा पढ़ें, जानें, बात करें, थोड़े इनरिच हो। बस इसी कोशिश के तहत ये किताब आपने कोशिश की और जैसी भी है अब आपके सामने है, आप देखें, अपना आशीर्वाद दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा।